जी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस वाले में। हम फिजिक्स का पढ़ रहे थे, एयरफोर्स का, ठीक है, एयरफोर्स नहीं मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम का, कम्पिटेटिव एग्जाम में सब आ जाएगा, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप, आर्मी, जीडी, कांस्टेबल वाले सब आ जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स तो सब में सेम ही है, जैसे जो आर्मी वाला होता है उसमें शायद 25 नंबर के आते हैं, बीएसएफ वाले 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, ठीक है, और जो एयरफोर्स वाला है उसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स है, लेकिन जो कोस्ट गार्ड का है उसमें थोड़ा कम है, उसमें भी सेम ही है, 25 ही है, ठीक है, 25 ही क्वेश्चन है, सब में 25-25 आते हैं। फिजिक्स एकदम इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जैसे उसमें हम कल पढ़े थे पहले लेक्चर में कि जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी डिफिनेशन के साथ पूरा बताया था कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से, ठीक है, उसके बाद ये कितने प्रकार की होती है, स्केलर वेक्टर पूरा ये बताई दिया था, कोई इसमें दिक्कत हो गई नहीं होगी, ठीक है। अब जो था आया था उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसपे पूरा चैप्टर डिपेंड है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे और हम आपको याद नहीं करवाएंगे, ठीक है, छपवाएंगे दिमाग में, एकदम देखना नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो अगर देख ली एक बार अच्छे से एकदम अच्छे निकालना सीख जाएंगे कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। आप और कहीं पढ़ते होंगे, टीचर आया बता दिया कि ये याद कर लो अपने कापी में छाप लो, वो याद करो, वो दूसरा तरीका है, ठीक है, यहाँ दूसरे तरीके से पढ़ाई होती है। जैसे यहाँ मैं बता दूं कि फोर्स है, अब फोर्स का कुछ बच्चे याद कर लिए होंगे, MLT-2 ये कैसे आया किसी पता है नहीं, कुछ जो बाहर टीचर होंगे स्कूल में पढ़ते होंगे याद कर लोगे, डायरेक्ट किताब में छपा हो गई कि MLT-2 याद कर, एक अलग से पेज उस पर दिया रहता है डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट, उसे याद कर लेते हैं सब, यही होता है ज्यादा कर, सब यही करते हैं, हम यही करते थे पहले कि जो भी आया फोर्स का आ गया, एक्सीलरेशन का आ गया, याद करके अपना मतलब रख लिए, ठीक है। लेकिन जब इसी से संबंधित, फोर्स से संबंधित मान लो इम्पल्स पूछ दे तो कैसे लगेगा, इसलिए हम आपको याद नहीं करवाएंगे, अच्छे समझाएंगे कि ये कैसे फोर्स का आया, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, MLT-2, ठीक है। अभी जैसे कुछ परसों हुए थे, लेकिन फिर से मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज की और डायमेंशनल की क्लास रहेगी, ठीक है, पूरा उसमें डायमेंशनल जितना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक क्लास में तो नहीं खत्म हो पाएंगे, लेकिन ये है जितना भी कवर हो जाएगा वो आज डायमेंशनल वाला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशनल में आएगा एक, ये आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है, MLT, ये तीनों एकदम याद होना चाहिए, क्या MLT, ठीक है। इसके बाद मान लो सबसे स्टार्टिंग का क्या होता है, स्पीड आ गई कि स्पीड क्या है, पहले एक बार कमेंट करके बता दो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये डायरेक्ट जैसे जो इसका इंडियन नेवी में या जो कोस्ट गार्ड में होता है उसमें पूछ देगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये या पूछ देगा वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कमेंट करके बताते रहना साथ साथ जो भी प्रॉब्लम हो। जैसे अब स्टार्ट होता है स्पीड से, पहला स्पीड जर्नल एकदम कर रहे एकदम जीरो लेवल से, मान लो कल पढ़ाया था ना वो भूल जाओ क्या था, फिर से स्टार्ट करो और एकदम अपने कप में लिखते चले जाओ फॉर्मूले के साथ की, क्योंकि अगर याद करोगे ना फिर ये कल फिर भूल जाएगा, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, लेकिन अगर सीख लिए कैसे निकल रहा है फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, फिजिक्स और मैथ की एक खासियत है, याद करोगे आज नहीं कल भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना टॉपिक पढ़ना रहता है। जैसे अब एक ये पढ़ लिए फिर मैं दूसरा बताया पीछे वाला भूल गए, तो इसी के बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए क्या होगा, ये सीखो ये आया कहाँ से, ठीक है। मैथ में भी ऐसे होता है, फॉर्मूला याद कर लिए a² b² + ab, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, तो मतलब फिर भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। अगर ये सीख लेंगे फॉर्मूला आया कहाँ से, क्यों आया, तो अगर ये आप पकड़ लिए जड़, ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। अब मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डायमेंशनल, अब आता है स्पीड का, ठीक है, स्पीड, ये स्पीड वेलोसिटी ले लो, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का दोनों का सेम ही है, तो वेलोसिटी का ले लो फॉर्मूला, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। अब पहले वेलोसिटी जैसे होता है ना, तो 9th, 10th, 11th में आप पढ़े ही होंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फिर बोल गया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसमें नाप जाती है, डिस्प्लेसमेंट होती है क्या पहले बताओ, डिस्प्लेसमेंट वो होती है, जैसे मान लो कि ये है, हमें यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, एक तो हम ऐसे आ रहे हैं घूम के अच्छे से ऐसे, ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई टोटल, मान लो शॉर्टकट ऐसे बना दिया, इससे कम टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किसमें नापेगी, कुछ लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कुछ डिस्टेंस है, इसका किसमें नापेंगे, लेंथ में, ठीक है, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक, टाइम क्या हो गया टी। अब जब ये जैसे टी नीचे है निगेटिव पॉजिटिव है, जो ऊपर जाके आएगा निगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, LT-1, ठीक है। और एक जिसमें और चीज होती है, जैसे अब इसमें m है नहीं, m नहीं ना इस वाले में, LT-1 आ रहा है, तो m
एम जीरो रख सकते हैं। एम जीरो रखने का मतलब एम जीरो का मान क्या होता है, किसी भी अगर पावर जीरो होती है उसे क्या बोलते हैं, वन होता है उसका आंसर, एम जीरो एल टी माइनस वन। ठीक है, ये किसका आ गया, वेलोसिटी का। इसे अब याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला याद होगा वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल होता है, टी होता है, कहीं भी आएगा, अगर ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा एक मिनट के अंदर, आप एक क्या 10 सेकंड के अंदर बता देंगे। ठीक है, तो याद करेंगे मतलब फिर भूल जाएंगे कि इसके आगे जैसे इस वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन आएगा, कंफ्यूज रहेंगे एक्सीलरेशन का क्या था, वेलोसिटी का क्या था, दोनों में कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर है, उसमें टू आ जाएगा तो टू कहाँ से आई, अब सीखिए अगला एक्सीलरेशन का कैसे टू कहाँ से आ गया वो। वेलोसिटी के बाद दूसरा है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन होता क्या, सबसे पहले आपको डिफिनेशन में बता रहा हूं क्योंकि डिफिनेशन से ही हो पाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। मान लो कि एक गाड़ी है वो एक बार गई 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, फिर उसकी स्पीड फिर चेंज हो गई वेलोसिटी, फिर दूसरी इतनी डिस्टेंस मान लो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय की ये वाली, फिर यहाँ से आगे गई, इसे कुछ और चेंज कर दीजिए, इसमें मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जहां भी चेंज आ जाए, मान लो चेंज में बोल रहा हूँ, टाइम तो बोला नहीं उसमें, जहां चेंज आया गया, चेंज का मतलब हो गया टाइम से डिवाइड। ठीक है, ये कहीं हर जगह ये फॉर्मूला है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चेंज का, चेंज को क्या मतलब है, टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, मान लो वेलोसिटी फिर से, मान लो अभी वेलोसिटी अभी पढ़ा हूं ना लेकिन फिर भी याद नहीं रहा, मान लो मैं भूल गया वेलोसिटी क्या था, नहीं दिमाग में रहा। ठीक है, तो अभी तरीका क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो यहां पे डायरेक्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये इतने का हो गया इस वाले का, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इसके नीचे एक टाइम है ये पहले से ही, टी आई एम ई। ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट का अब तक पता चलिए, जो डिस्प्लेसमेंट है किसमें नापेंगे, लेंथ में, उसका क्या होता है, लेंथ में मेजर करते हैं किसी चीज को, तो लेंथ हो गई एल, वही टाइम तो टी होता ही है, और ये वाला टी पहले से यही है। मान लो कि इसका मल्टीप्लाई जैसे यहाँ वन है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब L यहाँ देख लो, इसको L है और जब T पॉजिटिव है ऊपर जाके होगा T माइनस टू। ठीक है, अब जब इसमें M आया नहीं है, M वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो M जीरो रख सकते हैं, M जीरो L T माइनस टू, ये किसका हो गया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, एकदम इजीली हो गया। मान लो वेलोसिटी को भी नहीं आता, फिर से आ इसका फॉर्मूला रख के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अच्छे अगर आप 2-4 बार ऐसे लगा लेंगे एकदम दिमाग में घुस जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं ये पूरी जिंदगी अगर ऐसे करेंगे। अगर याद करेंगे कि जैसे एक चार्ट दिया रहता है किताबों में, इधर दिया है एक्सीलरेशन, इधर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स दे दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, उससे कन्फ्यूज हो जाता है, याद नहीं होगा जल्दी से। अब ये अगर निकाल के 2-4 बार करेंगे तो कहीं भी किसी भी कैसा भी क्वेश्चन इससे संबंधित बन जाए, मान लो कुछ इससे संबंधित कोई और बंदे बना दे घुमा फिरा के, तो वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर याद करोगे भूलोगे, ये तो पक्का होता है, अगर रट्टा मारोगे भूलोगे। ठीक है, अब एक्सीलरेशन के बाद आता है फोर्स का, ले लो। ठीक है, अभी जीरो लेवल से चल रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट भी आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जो ये जैसे पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो ना, उसमें जी नोट आता है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कहीं कहीं पूछ देते हैं, जी नहीं जी आता है, जी नोट नहीं, ठीक है, जी आता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ देंगे। फिर एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक था ई नॉट करके, उसे पता नहीं एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं कुछ कुछ, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, दो हो चुके हैं, अब दो में कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरा आ गया फोर्स। फोर्स, ठीक है, एफआरसी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स किसी चीज पे कब लगेगा, जब उसका कोई मास होगा या किसी गति, किसी मतलब किसी एक्सीलरेशन के साथ वो किसी चीज पे लगेगा, तभी तो फोर्स कहलाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मान लो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, यही मान लो बॉडी है या दो बॉडी है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर से आई, ठीक है, इसका कुछ वेट होगा, मास है इसका, और किसी वेलोसिटी के साथ, किसी एक्सीलरेशन के साथ आ रही ना, मान लो यहाँ आई, ठीक है, इसकी स्पीड कुछ और थी, वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ आई, तब यहाँ इस पे जाके लगी है, तो इसका मतलब क्या, इसमें एक्सीलरेशन है और मास है दोनों में, तभी तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बन गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, जिस चीज में मास होगा एक्सीलरेशन है तभी फोर्स हो पाएगा। मान लो एक्सीलरेशन से कोई जा रहा है और उसमें कुछ मास है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, या केवल मास हो एक्सीलरेशन हो, ऐसा नहीं है, सिंगल नहीं होगा, दोनों में से होगा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन।
मास का तो सबको पता है एम से डिनोट करते हैं, यानी एम लिख लो ठीक है, इसे यहाँ मल्टीप्लाई में रखो अभी एम ठीक है। एक्सेलरेशन का फिर बोल रहे मान लो याद नहीं, अभी याद पीछे पीछे हुआ ना एक्सेलरेशन, लेकिन याद नहीं है, फिर से क्या करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद नहीं करवा रहा आपको, समझा रहा हूँ अच्छे कैसे निकलेगा, कहाँ से आएगा वो। मान लो एक्सेलरेशन नहीं याद हो रहा है तो कहाँ से आएगा, फिर से एकदम जीरो से ठीक है। वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ठीक है। वेलोसिटी भी नहीं याद आ रहा है, फिर से इसका क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है मुझे, बस डायमेंशन नहीं याद है। तो वेलोसिटी का फिर यहाँ पे वेलोसिटी को क्या कहेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है। और ये वाला टाइम नहीं है, अब इससे इजीली मुझे लग रहा है निकाल लोगे ठीक है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम इतने का है ये। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को क्या है, लेंथ होता है ये टी हो गया अपॉन टी ठीक है। इस टी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू ठीक है। यहाँ से निकल गए एक्सेलरेशन का, अगर मैं चाहता डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पे कि एम एल टी माइनस टू, लेकिन मैं आपको समझाया हुआ अच्छे से कि कहाँ से आया ये ठीक है। कोई वो तो किताब में भी लिखा है, कहीं भी आप किताब से पढ़ सकते हैं कि फोर्स का हो गया ये, लेकिन बहुत कम ही टीचर होता है जो बता पाते हैं कि एक्सेलरेशन का इतना मतलब ड्राइव करके ठीक है, कि वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया, टाइम के बाद फिर इसे मान लो वेलोसिटी का फिर भूल गए, फिर डिस्प्लेसमेंट से आता है। तो ऐसे पूरा अगर अच्छे से करोगे तो ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं करने की जरूरत है, अगर दो चार अगर कर लिया अच्छे से समझ गए जो तरीका हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा फिर आप अच्छे इस पे डायमेंशन वाले मतलब जो डायमेंशन चैप्टर है इसका आपकी पकड़ बन गई अच्छे से ठीक है। अगर दो चार दस क्वेश्चन ऐसे कर दिए ठीक है, तो मान लो इतना इसका आ गया एल टी माइनस टू ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ ये सब केवल समझाने के लिए था ठीक है। इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में याद हो जा रहा है डायरेक्ट तो याद भी कर सकते हो, लेकिन अगर साइड में कर लोगे तो ये है कि उससे आपको क्लियर हो जाएगा गलत नहीं लिखे हो। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट एम एल टी माइनस टू, मुझे पता नहीं चल रहा है गलत हो गया अगर सही हो गया ठीक है। अगर 100% एकदम याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है फिर भी पूरा निकाल के देख लो ठीक है। विलास एक्सेलरेशन का क्या आया, एल टी माइनस टू, अब यहाँ लिख दो एल टी माइनस टू ठीक है। और ये भी है कि जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है कि इन दो ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसमें होगा एम वन एल वन टी माइनस टू ठीक है, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एम वन एल वन टी माइनस टू ठीक है। ये याद कर लो क्योंकि फोर्स के आगे जरूरत पड़ेगी हर चीज में, जैसे फोर्स के बाद इंपल्स आएगा, इंपल्स में भी इसकी जरूरत होगी, और कोई भी और कोई फॉर्मूला है जो फोर्स में जिसमें आता है तो उसमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी ठीक है। वैसे मैं फिर से अभी बताऊंगा जब आएगा, लेकिन फिर भी अब याद कर लो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फोर्स का ठीक है। एक्सेलरेशन वही हर जगह यूज होने वाली चीज है जनरल, एम एल टी माइनस टू ये याद कर लो। इसके बाद अगला देखते हैं प्रेशर, प्रेशर ठीक है। प्रेशर का, अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो आ गया। प्रेशर का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, प्रेशर किसी चीज पे कब लगता है ठीक है। मान लो कोई फोर्स लग रही है ठीक है, किसी एरिया पे फोर्स लगती है ठीक है। मान लो ये है, ये छोटा सा एरिया है ठीक है, इसी एरिया पे लग रहा है ना फोर्स कुछ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ठीक है। मान लो फोर्स है अपॉन एरिया ठीक है। फोर्स का अभी पहले इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था फोर्स वाला ही था कि फोर्स का कैसे निकलेगा ठीक है, लेकिन फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ, मान लो भूल गए फिर से फोर्स क्या होता है कि फॉर्मूला क्या है। एरिया का तो जनरली पता होगा, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ ठीक है, एल स्क्वायर हो जाएगा। यार इसमें कोई है भी नहीं प्रॉब्लम, इसका तो एरिया इक्वल टू एल इनटू एल यानी एल स्क्वायर हो गया, या एरिया का डायरेक्ट लिख लो एल स्क्वायर ठीक है। अब फोर्स का फिर से मान लो भूल गए कि क्या होगा फोर्स का, मान लो एग्जाम में आ गया याद नहीं आ रहा फिर से कि फोर्स का क्या था, मान लो मैं अपने दिमाग में बोलो एम एल टी माइनस थ्री, कहीं गलत नहीं ना, ये कन्फ्यूजन आ गया कि गलत है, तो फिर से पूरा करके देखते हैं ठीक है। फोर्स का आया कहाँ से, कैसे निकलेगा, तो फोर्स का देख लो फिर से। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एल स्क्वायर से चल ले दो ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन मान लो, फिर एक्सेलरेशन का फिर बोल गए एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, तो फिर से इसे एक्सेलरेशन को भी तोड़ लो, एक्सेलरेशन का क्या तोड़ोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है, एल स्क्वायर से रहने दो। फिर एक्सेलरेशन भूल, ये वेलोसिटी भूल गए क्या होता है, वेलोसिटी का लिख लो एल टी माइनस वन टी एल स्क्वायर ठीक है। इतना देखते रहो कि वेलोसिटी का यहाँ फिर से उसमें तोड़ दिया डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एल टी माइनस वन इसे करके किए, यहाँ आ गया। अब इसे यहाँ लाओ इसी स्टेप को रेड पे, एम एल ये वाला टी पी जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एम एल टी माइनस टू
ठीक है अपॉन एल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो निकल गया यहाँ से फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू एम वन एल वन टी माइनस टू। अभी फोर्स का जो इससे पहले थोड़ा पीछे करके देखो वीडियो को, यही निकला था फोर्स का एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब अच्छे से यहाँ मतलब फिर से पूरा बताया, अगर मैं चाहता डायरेक्ट यहाँ लिख देता कि फोर्स का भी पीछे बताया गया है, लेकिन फिर से मैं समझाया अच्छे से, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि याद नहीं होता इतना जल्दी, जब दो बार चार बार प्रैक्टिस करेंगे तब एकदम दिमाग में आ जाता है। याद इसे करने क्या तरीका था, फोर्स का लिख लिए, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर होता है, फोर्स का फॉर्मूला याद कर लो कि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये सबको याद होगा फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि ये 9 10 से एकदम सबको बताया जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। एक्सीलरेशन का ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी का लिख लो, वेलोसिटी का तो चलो याद है मान लो एल टी माइनस वन, फिर ये टी नीचे है ये है, इससे कि यहाँ जब सोल्व करोगे तो आएगा यहाँ इतना आ जाएगा एम एल वन टी माइनस टू, ठीक है फोर्स का। अब इसके नीचे एल स्क्वायर भी आ जाएगा, सोल्व करेंगे अच्छे से क्या आएगा एम वन एल टू वो एल वन है एल वन टी माइनस टू, ठीक है, और ये इंटू में एल माइनस टू, ठीक है। ये पॉजिटिव है, जो ऊपर जाएगा क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा एम वन, ठीक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, क्या होगा एक, जैसे माइनस दो जब बेस सेम रहती है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, जब माइन वन में माइनस टू जोड़ेंगे क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा टी माइनस टू। जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आया क्या आया एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है प्रेशर का, इसे एक कॉपी में अलग से आप नोट्स भी नोट करते हुए चल सकते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे चार हो गया है, अब एक और देखते हैं, एक और क्या देखें डेंसिटी का, डेंसिटी का जो क्वेश्चन था ना ये इम्पोर्टेंट है, इस बार जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा था डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो, डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आपको अच्छे से आता होगा तो तुरंत बता ही देंगे, कुछ सेकंड के अंदर दो चार सेकंड लगेगी, अगर नहीं आता तब तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास और वॉल्यूम का मतलब मास पर वॉल्यूम, ठीक है, उसका क्या है डायमेंशन, यानी लिख लो फॉर्मूला इसका मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला डेंसिटी का, ठीक है। अब मास का तो सबको पता है, मास का क्या होता है एम होता है, ब्लैक लेने दो, एम होता है मास का, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या है एल क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे एल क्यूब, ठीक है, क्योंकि मान लो किसी चीज का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लेंथ में निकालेंगे ना, तो वो उसका वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, एरिया का एल स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ लिख लो एल क्यूब, ठीक है। अब जैसे ये निगेटिव पॉजिटिव है ऊपर जाएगा क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा एम एल माइनस थ्री, ठीक है। अब इसमें टी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि ऐसी क्वांटिटी बता दो जिसमें टी ना आए, ठीक है, टी जीरो, ठीक है, कि ऐसा मतलब डायमेंशन बताओ किसी चीज का जिसमें टी ना आए, तो आप उसमें डेंसिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी में क्या आएगा टी जीरो है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करिए, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सीएस वाला 1710। राम राम जी, फिर से मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, जय हिंद।